नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजप्रीत है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एक नया गारंटेड प्लान लॉन्च हुआ है जिसका नाम स्वैग है, स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी। ये बहुत ही अच्छे वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है। यहाँ पे एक ऐसा यूनिक फीचर है जहाँ आपको जीते जी भी इनकम आएगी और मरने के बाद फैमिली वालों को इनकम मिलेगी, मतलब जिंदगी के साथ भी हर साल इनकम और जिंदगी के बाद भी हर साल इनकम। तो इसमें बहुत सारे वेरिएंट है, वो उनको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरा पूरा वीडियो देखेगा, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल जरूर करिएगा। अब समझते हैं इसके मुख्य फीचर्स के बारे में। सबसे पहला मुख्य फीचर है गारंटेड अर्ली इनकम, यानी कि अगर आप जल्दी से इनकम लेना चाहते हैं, जैसे आपने प्रीमियम पेमेंट हम शुरू किया और आप अर्ली इनकम लेना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। सेलेक्ट इनकम टर्म, आप जितने टाइम के लिए इनकम लेना चाहते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, लाइफ टाइम, ये सारे ऑप्शन भी उन्होंने दिए इस पॉलिसी में। डेफरमेंट इनकम, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो गया, आपको तुरंत उसके बाद इनकम चाहिए, या उसके बाद में भी आप 1 साल, 2 साल, 5 साल वेट करेंगे तो उसके बाद में आपको बढ़े हुए इंटरेस्ट के साथ में आपको इनकम आना शुरू होगा, तो आप डेफर भी कर सकते हैं अपनी इनकम। सेलेक्ट योर डेट, ये एक अच्छा फीचर कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी डेट सेलेक्ट करते हैं जब आपको इनकम चाहिए। फॉर एग्जांपल उस दिन आपका बर्थडे हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, या कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन हो जहां पे आपको हर साल इनकम लेना चाहते हैं। सपोज आपके बच्चे का बर्थडे है, तो सपोज आपने पॉलिसी परचेज करी और आपने डिसाइड किया है कि मुझे इनकम है ना हर साल 15 दिसंबर को मिलनी चाहिए, तो आपने सेलेक्ट कर दी डेट, तो आपको जो इनकम आएगी वो 15 दिसंबर के समय ही आएगी, यानी कि जिस दिन आपके बच्चे का बर्थडे होगा उनको इनकम का गिफ्ट आ जाएगा। मोर प्रोटेक्शन, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म तक इंश्योरेंस कवर है, तो आपको मोर इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है और पॉलिसी कंटिन्यूटी बेनिफिट भी है और मोर कवर भी दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने डिसाइड किया है कि आपके चाइल्ड के एजुकेशन या मैरिज या कोई भी करके गोल को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी ली और अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ हो गया, या एक्सीडेंट में डिसेबिलिटीज हो गया, क्रिटिकल इलनेस हो गया, कुछ भी ऐसी घटना घटित हो गई, तो भी आपने जो प्लानिंग करी उस प्लानिंग के तहत घर वालों को कंटिन्यू इनकम आती रहेगी, तो आपके गोल है ना वो आपके रहते भी और आपके ना रहने के बावजूद भी वो जरूर फुलफिल होंगे। करें कि इंडस्ट्री में यूनिक फीचर्स क्या है। एज पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने पहला बोला कि अर्ली इनकम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, तो ये इंडस्ट्री का यूनिक तो नहीं लगता क्योंकि इससे पहले ICICI का गिफ्ट प्लान है उसमें ये फीचर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन इस कंपनी ने भी ये फीचर्स लॉन्च किए हैं कि आप पहले साल से या पहले महीने से भी इनकम लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट विथ 3D वेवर ऑफ प्रीमियम, ये बहुत यूनिक फीचर है। इस प्लान का हाईलाइट ही मेरे हिसाब से ये फीचर है, पॉलिसी कंटिन्यू बेनिफिट। अगर आपने ये जो वेवर ऑफ प्रीमियम लिया हुआ 3D में, यानी कि डेथ, डिजीज एंड डिसेबिलिटीज में, अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो आपका प्रीमियम भरना माफ हो जाएगा। मान लो अगर डेथ हो गई, तब तो जब तक आप जिंदा थे तब तक इनकम ले रहे थे, डेथ होने के बाद वो इनकम आपके नॉमिनीज को आती रहेगी। लेकिन अगर आप डेथ नहीं हुई है, कोई डिजीज हो गई, क्रिटिकल इलनेस हो गई एक प्रकार से, या डिसेबिलिटीज हो गई एक्सीडेंट में, तो भी आपको ये इनकम है ना कंटिन्यू आती रहेगी। तो ये पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट वाला है ना, जिंदगी के साथ भी हर साल इनकम और जिंदगी के बाद भी हर साल इनकम, ये बहुत ही ऐसा यूनिक फीचर है इस पॉलिसी में। एक और यूनिक फीचर है 50% एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। जिस समय आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो जाएगा, कि आपने 10 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट किया था और आपने पूरा प्रीमियम भर दिया है, तो उसके बाद आपको 50% एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी मिलेगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। डिजाइन योर ओन प्लान, यहाँ पे फ्लेक्सीबिलिटी टू चूज प्रीमियम पेमेंट टर्म, आप प्रीमियम पेमेंट टर्म अपने हिसाब से रख सकते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल तक अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन से वेरिएंट में क्या प्रीमियम पेमेंट टर्म आपके पास है, और डेफरमेंट पीरियड भी आप ले सकते हैं कि आपको इनकम तुरंत नहीं चाहिए, कुछ समय के बाद चाहिए तो आप उस समय बाद में भी ले सकते हैं। सेव द डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको स्पेशल दिन पे सेलेक्ट कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन और उसी समय आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। और एक आपके पास अच्छा है ऑप्शन है कि अगर आप इनकम जो आ रही है आपको उसको आप एक साथ विड्रॉ भी करना चाहते हैं या उसको अक्यूमुलेट भी करना चाहते हैं तो दोनों कर सकते हैं। तीसरा है कि पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट की बात हो गई है, वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस PCB 3D कवर अगेन डेथ, डिजीज एंड डिसेबिलिटीज फर्स्ट टाइम एवर, ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू।
50% एक्सीडेंटल कवर, जब प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो जाएगी तब आपको मिलेगा ये, और डेथ बेनिफिट फॉर एंटायर पॉलिसी टर्म इंक्लूडिंग इनकम टर्म, तो आपको इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट भी पूरी पॉलिसी टर्म तक भी मिलेगा इस प्लान के अंतर्गत। और लिक्विडिटी की बात करें तो आप पहले महीने से लेकर के जब भी आप सेलेक्ट करेंगे उस तरीके से आप अपना पैसा ले सकते हैं, मनी बैक ले सकते हैं, लिक्विडिटी रख सकते हैं अपने लिए, और लंबे समय तक आप इनकम ले सकते हैं, 30 ईयर 40 ईयर लाइफ लॉन्ग भी आप इनकम ले। इस प्लान को आप रिटायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपको लाइफ लॉन्ग होल लाइफ टैक्स फ्री इनकम दे रहा है। आज के टाइम में जब कोई आदमी 50-60 साल का होता है या पेंशन की प्लानिंग करता है तो जो पेंशन आती है ना वो टैक्सेबल आती है, लेकिन ये क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कवर होता है तो इस पर जो आपको इनकम आएगी वो टैक्स फ्री आएगी, और इसका IRR भी 6.5-7% तक है, वो भी 100 साल तक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आज से 10 या 15 साल पहले FD के रेट क्या थे या गारंटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके रेट क्या थे और आज क्या रेट है, उसमें पहले 10-12% रिटर्न्स मिल जाता था, आज मुश्किल से FD के रेट 5.5-6% है, आने वाले टाइम में और ये रिड्यूस होंगे। लेकिन ये वाला प्लान अगर आपने परचेज कर लिया तो उसमें जो IRR 6.53 या 6.78 काफ़ी अच्छा इसका IRR है, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा, जिंदगी भर मिलता रहेगा। यानी कि आज 2022 में आपने पॉलिसी परचेज करी है और थ्रू आउट जिंदगी भर आपको 6.5-7% का रिटर्न आता रहेगा, भले FD की रेट डाउन हो जाए, कोई भी इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाए, और वो भी टैक्स फ्री आता रहेगा, वो भी इंश्योरेंस कवर के साथ में। और आप 50% ROPS 85th बर्थडे फॉर एग्जांपल आप रिटायरमेंट के पर्पज से ये पॉलिसी ली हुई, आपकी एज जब 85 हो जाएगी तो आपने जितना टोटल प्रीमियम पेमेंट टर्म था ना, मान लो आपने 1,00,000 रुपये 10 साल भरना था तो 10 लाख भरा, उसका 50% 5,00,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे 85th जैसे ही आपका बर्थडे हो जाएगा, और इनकम तो आपको आ ही रही होगी। और मैच्योरिटी भी आपको 100% रिटर्न ऑन प्रीमियम और मैच्योरिटी पर आपका भरा हुआ सारा पैसा वापस मिल जाता है। इसके अलावा एक सेल्फ फंडिंग पॉलिसी डिजाइन भी किया है, इसका मतलब यह है कि 10 साल जब कंप्लीट हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट किया 12 साल या 20 साल ठीक है, और आप 10 साल भर दिए थे, आपको इनकम आना वहां से आपसे शुरू हो गया था, तो आप उस इनकम के सामने आप अपने प्रीमियम को ऑफसेट कर सकते हैं। मान लो इनकम भी 1,00,000 रुपये आ रही है, प्रीमियम भी आपका 1,00,000 रुपये है, तो ऑटोमेटिक वो प्रीमियम भर दिया जाएगा, तो वो आप सेल्फ फंडिंग भी कर सकते हैं, एंड आपको इनकम टैक्स की धारा 80C में टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। इस पॉलिसी में आपको 5 वेरिएंट दिए गए हैं, एक तो वेल्थ फॉर माइलस्टोन, रेगुलर वेल्थ, लॉन्ग टर्म वेल्थ, अर्ली वेल्थ एंड लाइफ लॉन्ग वेल्थ। मैं यहाँ पे 3 को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, 2 को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर लूँगा, क्योंकि वेल्थ फॉर माइलस्टोन एक लमसम मैच्योरिटी मिल जाता है जो कि मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में, और मैक्स के पास ऑलरेडी इस तरह के पॉलिसी अवेलेबल है जहाँ पे आपको एक साथ लमसम पैसा मिल जाता है। दूसरा रेगुलर वेल्थ, इस तरह के प्लान भी मार्केट में ऑलमोस्ट हर एक कंपनी के पास में कि आप 10 साल प्रीमियम भरो, 10 साल इनकम आएगी, 15 साल इनकम आएगी, शॉर्ट टर्म के लिए वो भी अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म वेल्थ ये एक अच्छा फीचर है जहाँ पे आपको 20-25-30 साल के लिए इनकम मिलेगी और एंड में आपका भरा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। अर्ली वेल्थ जो कि शुरू में अपन ने डिस्कस किया था कि आपको पहले महीने या पहले साल से अगर आप इनकम लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और एंड में आपको मैच्योरिटी वापस मिल जाएगी जो भी आपने टोटल भरा है वो। एंड लाइफ लॉन्ग वेल्थ जो मैंने आपको बताया कि आपको 99 ईयर तक आपको ये पॉलिसी बेनिफिट देता है, एक प्रकार की होल लाइफ पॉलिसी, वो भी गारंटेड, तो इनको अपन डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। पर पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन में जैसा कि देखा था कि वेल्थ फॉर माइलस्टोन है, यानी कि लमसम बेनिफिट मिल जाता है। मान लो एक व्यक्ति है जो 1,00,000 रुपये का प्रीमियम पेमेंट टर्म कर रहा है, 8 साल पे करेगा, 8,00,000 पे करेगा, 16वें साल पे इसको 16,65,000 रुपये मिल जाएंगे, पॉलिसी कंप्लीट, सिंपल ऑप्शन। दूसरा है रेगुलर वेल्थ, फॉर एग्जाम्पल वही व्यक्ति है जो 1,00,000 रुपये का प्रीमियम पेमेंट करता है, 10 साल के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं और उनको हर साल इनकम चाहिए, यानी कि इनकम उनको चाहिए, लेकिन इस बार उन्होंने इनकम टर्म सेलेक्ट किया 5 साल के लिए और डेफरमेंट भी 2 साल के लिए रखा है, तो 10 साल पेमेंट किया, 2 साल वेट किया, उसके बाद 5 साल तक उनको इनकम आएगी, कितनी आएगी, 3,33,748 रुपये, एंड देन पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी। ये नॉर्मल फीचर आते हैं अर्ली इनकम के ऑप्शन को समझते हैं, अर्ली वेल्थ वेरियंट को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक 35 साल का व्यक्ति है, उसने डिसाइड किया कि वो 10 साल तक 2,00,000 रुपये प्रीमियम भरेगा और उसको इनकम 30 साल तक चाहिए, पॉलिसी का टर्म 30 साल ही है क्योंकि अर्ली इनकम शुरू हो रही है, तो जैसे ही वो 2,00,000 रुपये पे करना शुरू कर देगा, उनको पहले साल से लेकर के 30 साल तक हर साल 40,000 रुपये आना शुरू हो जाएगा, दूसरे साल से लेकर 30वें साल तक, यानी कि 29 साल तक तो उनको 40,000 आएगा, यानी कि टेक्निकली उस कस्टमर के जेब से दूसरे साल से 1,60,000 का प्रीमियम जा रहा है ठीक है, और उसके बाद उनको एंड ऑफ द
पॉलिसी टर्म पे 49,32,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, तो कुल उनको 61,50,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। टोटल उन्होंने भरा कितना 10 साल में, 2 लाख के हिसाब से 20 लाख रुपए। 20 लाख के सामने कितना मिला, 61 लाख रुपीज़, यानी कि 3 गुना से ज़्यादा कवर मिला, 3 गुना से ज़्यादा बेनिफिट मिला। और IRR भी 5.5% के आसपास रहेगा विथ इंश्योरेंस कवर, विथ टैक्स बेनिफिट, और जो भी ये इनकम आएगी वो टैक्स फ्री आएगी। अब इस पिक्चर को आप गौर से देखिए, ये अर्ली वेल्थ वेरियंट लिया हुआ, एज अपन ने 35 ही रखी है, पॉलिसी टर्म 10 साल में प्रीमियम पेमेंट टर्म करना है, इनकम आएगी 30 साल 10 साल पेमेंट करो, इनकम आएगी 40 साल 12 साल पेमेंट करो, इनकम आएगी 30 साल 12 साल पेमेंट करो, इनकम आएगी 40 साल तक। ये ऑप्शन इस तरीके से लियो, एनुअल प्रीमियम 2 लाख रुपए रखा हुआ है, तो पहले दिन से ही या पहले साल से उनको कितना इनकम आना शुरू होगा, 40,000 रुपीज। उसके बाद उनको 30 साल 40 साल जो भी इनकम उन्होंने टर्म सेलेक्ट किया उस तरीके से आना शुरू हो जाएगा। तो पहले कॉलम में देखेंगे टोटल मैच्योरिटी कितना आ रहा है, 49,32,000, दूसरे में देखेंगे 90,60,000, तीसरे में 60,73,000, और आखिरी सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो 1,12,00,000 रुपये आ रहा है। यहाँ पे आप अलग अलग IRR भी देख सकते हैं जो कि मैक्सिमम 5.84 तक जा रहा है। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ वेरियंट, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से कि एक 35 साल का व्यक्ति है जो 2 लाख रुपये पेमेंट करता है, 10 साल के लिए पेमेंट करता है, डेफरमेंट पीरियड वो 2 साल के लिए लेता है, और पॉलिसी टर्म है वो 30 रहता है, यानी कि टोटल 32 ईयर्स हो जाएगा। तो उनको इनकम कितना आएगा, जैसे प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होने और 2 साल के वेट के बाद उनको 2,36,297 रुपये हर साल आएंगे, यानी कि 47,25,940 रुपये, तो ये इनकम के हिसाब से आ जाएंगे। और मैच्योरिटी पे जो उन्होंने टोटल भरा है 20 लाख रुपये वो वापस मिल जाएगा, तो टोटल उनको इनकम कितना मिला, 67,34,000 रुपीज, यानी कि 3.37 टाइम्स ऑफ टोटल पेड उनको वापस मिल गया, और IRR कितना रहा, 6.38%। तो इसी लॉन्ग टर्म को अलग अलग देखते हैं कि एक ही 35 साल का व्यक्ति है लेकिन उन्होंने प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म अलग अलग रखा हुआ है, और प्रीमियम 2 लाख ही रखा हुआ है। तो एक चीज आप नोटिस करिए, यहाँ पे जो IRR बैठ रहा है 6.73, यानी कि कस्टमर की एज 35 साल है, वो 12 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म करता है और 42 साल का वो पॉलिसी रखता है टोटल, तो उनको 6.73% गारंटेड 40 साल तक इनकम आ रही है, इतना लंबे समय तक गारंटी आज ही आपको 2022 के समय मिल जाएगी, वो भी जब आप 12 साल पेमेंट कर रहे हो तो ATC का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और जो आपको हर साल इनकम आ रही है 2,66,246 रुपये, ये भी टैक्स फ्री इनकम आएगी। और अगर ये वाला फीचर आप ले रहे हैं तो आप वो राइडर लेना जरूर जरूर लीजिएगा, सॉरी अगर आप ये वाला फीचर ले रहे हैं तो आप राइडर जरूर ऐड करिएगा। इससे क्या रहेगा, पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट रहेगा कि आप 40-42 साल की प्लानिंग करिए लेकिन अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश 1-2 साल में कुछ आपको हो गया तो भी ये जो इनकम आने वाली है ना आपके फैमिली मेंबर को आती रहेगी, यानी कि जिंदगी के साथ भी इनकम, जिंदगी के बाद भी इनकम। अब आते हैं आखिरी वेरियंट लाइफ लॉन्ग इनकम की तरफ, यानी कि 100 साल तक होल लाइफ गारंटेड इनकम वाले ऑप्शन की तरफ। यहाँ इस फीचर्स को लेने के लिए आप मिनिमम एंट्री एज 40 साल है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि 50 साल का व्यक्ति है, वो 8 साल प्रीमियम पेमेंट करेगा, 2 लाख रुपए उन्होंने डिसाइड किया कि वो सालाना प्रीमियम पे करेंगे, और 8 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद उनको अगले 42 साल तक 1,14,857 रुपये की इनकम आएगी। जब उनकी 85 की एज होगी तो जो 16 लाख भरे उसका 50%, यानी कि 8 लाख रुपये उनको 85th बर्थडे पे भी मिल जाएंगे, और मैच्योरिटी पे टोटल भरा हुआ 16 लाख भी वापस मिल जाएगा। और तो टोटल उन्होंने जो पेमेंट करा उसके सामने उनको 72,37,000 रुपये की इनकम हो रही है, और 5.90% IRR है लाइफ टाइम के लिए। अगर ये IRR है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये टैक्स फ्री IRR है, और इनकम टैक्स ATC का बेनिफिट भी आपको देकर के जा रहा है, विथ इंश्योरेंस कवर भी आपको मिल रहा है। अब इस वेरियंट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। 50 साल का व्यक्ति है पहले 3 सिनेरियो में, फिर 55 साल की एज ले रही है, फिर प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने 8 साल 10 साल 12 साल इस तरीके से अलग अलग सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप सबसे अच्छा IRR आ रहा है 6.27%। कब आ रहा है, जब व्यक्ति की एज 50 साल है, वो प्रीमियम पेमेंट टर्म करता है 10 साल के लिए, और 2 लाख रुपये वो सालाना पे कर रहा है। तो इतना अच्छा IRR जिंदगी भर के लिए नहीं मिलने वाला। अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये वाले फीचर के साथ में जरूर लीजिए, क्योंकि
कितने भी अच्छे सेविंग इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे ना, चाहे एफडी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, समय के साथ उनकी रेट डिक्रीज ही होंगी। लेकिन ये एक बार आपने ले ली तो आपका ये फिक्स हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। और जो भी आपको इनकम आ रही है इसमें 1,70,698 रुपये की, ये टैक्स फ्री इनकम आपको लाइफ टाइम आती रहेगी। बहुत ही अच्छा प्लान है, ये फीचर के साथ आप जरूर लीजिए अगर रिटायरमेंट आपका ऑब्जेक्टिव है। अब आते हैं हम प्लान के बेसिक फीचर्स की तरफ, कि मान लो 3 महीने टॉप वेरिएंट जो मैंने यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन करे उन्हीं को रखा है, लॉन्ग टर्म वेल्थ, अर्ली वेल्थ एंड लाइफ लॉन्ग वेल्थ को। यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ की देखें तो 8 साल, 10 साल और 12 साल की रखी हुई है। उसमें डेफरमेंट पीरियड भी अवेलेबल है, 1 साल से लेकर 5 साल आप डेफर भी कर सकते हैं। मिनिमम एंट्री डेज 91 डेज के बच्चे के लिए भी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, और मैक्सिमम एंट्री एज 65 साल माइनस योर प्रीमियम पेमेंट टर्म आप रख सकते हैं। मान लो आपने 10 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म रखा तो आपकी एज 55 साल का व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। अर्ली वेल्थ की बात करें तो इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल, 12 साल और 20 साल का है। डेफरमेंट पीरियड आपको नहीं मिलेगा। एंट्री एज 91 डेज से लेकर 65 ईयर्स माइनस प्रीमियम पेमेंट टर्म। और 15 साल का अगर आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म रखा है तो आपको डेफरमेंट पीरियड नहीं मिलेगा। मिनिमम एंट्री एज 3 साल रहेगी और मैक्सिमम एंट्री एज आपको 65 साल माइनस प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी कि 15 साल अगर हटा दे तो 50 साल हो गए। लाइफ लॉन्ग वेल्थ की बात करें तो प्रीमियम पेमेंट टर्म 8 साल, 10 साल, 12 साल रहेगी। डेफरमेंट पीरियड नहीं मिलेगा। मिनिमम एंट्री एज 40 ईयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज कितना हो गया प्रीमियम पेमेंट टर्म 65 माइनस प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी कि अगर आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म 8 साल रखा है तो 65 माइनस 8 यानी कि 57 ईयर का व्यक्ति भी ये फीचर्स। इस पॉलिसी में छोटा सा और बेनिफिट दिया गया है ऑटो डेबिट बूस्टर करके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रीमियम जो भर रहे हैं वो हर साल ऑनलाइन नहीं पेमेंट करके या चेक से नहीं पेमेंट करके कंपनी में ECS रजिस्टर करवा देते हैं, ऑटो डेबिट रजिस्टर करवा देते हैं, तो आप पहले साल का प्रीमियम छोड़ के बाकी जितने साल आप प्रीमियम पे करेंगे उसका 1% आपको वापस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 साल का लिखा हुआ है, 2-2 लाख रुपये कस्टमर भर रहा है, तो पहले साल को निकालते हैं 11 साल में वो टोटल 22 लाख रुपये भरेगा, तो 22 लाख का 1% 22,000 रुपये आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होते ही वापस मिल जाएगा ECS की वजह से। तो ये भी एक अच्छा फीचर्स है। राइडर्स, इस पॉलिसी में आपको अलग अलग राइडर्स है वो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके खरीद सकते हैं। पहला राइडर है मैक्स लाइफ वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर, यानी कि अगर ये राइडर लेते हैं और डेथ, डिजीज या डिसमेंबरमेंट हो जाता है तो प्रीमियम भरना माफ हो जाता है, यानी कि पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट मिल जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट राइडर, अगर आप ये वाला राइडर लेते हो तो जितना कवर का आप राइडर लेंगे, मान लो 10 लाख का लिया तो अगर डेथ हो जाती है तो नॉर्मल डेथ कवर मान लो 11 लाख है प्लस एक्सीडेंट का 10 लाख मिल जाएगा। इस तरीके से आप एडिशनल कवर ले सकते हैं। तीसरा है मैक्स लाइफ टर्म प्लस राइडर, ये बहुत अच्छा राइडर, ये सस्ते में मिल जाएगा लेकिन आप इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकते हैं। टर्म प्लस राइडर का मतलब है कि किसी भी डेथ में इंश्योरेंस कवर मिलता है, और एक्सीडेंटल राइडर का मतलब होता है सिर्फ एक्सीडेंट के केस में मिलता है। तो ये एक अच्छा राइडर है, वो आप ऐड करवा सकते हैं। एंड क्रिटिकल इलनेस वाला राइडर भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है। तो फाइनली अगर इस पॉलिसी को समराइज करें तो एक अच्छा पॉलिसी है, होल लाइफ इनकम का ऑप्शन दे रहा है जो इंडस्ट्री में शायद गारंटेड होल लाइफ इनकम का ऑप्शन किसी कंपनी के पास में नहीं है, और राइडर्स भी अच्छे हैं। पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट का राइडर बहुत ही अच्छा है, या बेनिफिट बहुत ही अच्छा है कि आपको जीते जी भी इनकम मिलेगी और आपके जाने के बाद में भी घर वालों को इनकम आती रहेगी, ताकि वो अपने ज़िंदगी के सपने या जो गोल्स है वो पूरे कर पाएँ। इसमें आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिल रहा है, आपको इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट भी मिल रहा है, और लंबे समय तक एक अच्छा IRR यानी कि इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। तो अगर आपको ये पॉलिसी पसंद आए तो ज़रूर परचेज करिए, बहुत ही यूनिक फीचर है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। और अगर आपको ये पॉलिसी मुझसे खरीदना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9909403412, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके भी पॉलिसी खरीद सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।